दिल्ली में बजनपुर में सड़क से हटाए गए मजार और मंदिर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जी, दिल्ली के बजनपुरा इलाके में PWD द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। बजनपुरा सड़क पर स्थित दो धार्मिक स्थलों पर आज सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। आज NDA का सख्ती प्रशासन, अमित शाह, CM योगी, माजी समेत बड़े दिग्गजों से सजेगा सियासी मंच। जी, प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने की जुगत में लगी भाजपा अपने सहयोगी दल के कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की नियंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी से बिहार तक होगी जमा जाम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भाजपा आज नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कर सकती है ऐलान, रेस में पूर्व CM बम्बई सबसे आगे। जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सबसे बड़े वोट शेयर के साथ 135 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं भाजपा को सिर्फ 60 सीटें मिली थी। पार्टी नेताओं ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन आमतौर पर चुनाव नतीजे के तुरंत बाद किया जाता है, लेकिन भाजपा के भीतर असहमति के कारण देरी हुई। पुलिस द्वारा पंजाब भर में ऑपरेशन विजिल चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पंजाब पुलिस आज नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला कर चेकिंग कर रही है। इस दौरान पंजाब में अलग अलग जिलों में अधिकारी ग्राउंड में उतरे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की जा रही है। गैंगस्टर असारी पर खर्चे लाखों रुपए, कैप्टन से वसूलेगी सरकार, CM ने ट्वीट कर किया ऐलान। यूपी के गैंगस्टर असारी को लेकर पंजाब के CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के गैंगस्टर असारी को अपनी दोस्ती निभाने के लिए पंजाब की जेल में रखने और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की फीस के 55 लाख रुपए खजाने से नहीं दिए जाएंगे। उस समय के गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से जो पैसे वसूला जाएगा, पैसा ना देने की सूरत में उनकी पेंशन और सरकारी सहूलतें रद्द कर दी जाएगी। अब PGI में मिलेगा कैशलेस इलाज। जी, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि कैशलेस इलाज की सुविधा अब CGHS के लिए PGI चंडीगढ़ और आर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में उपलब्ध होगी। उन्हें कहा है कि स्वास्थ्य योजना का लाभ कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन को भी मिलेगा। उन्हें कहा है कि स्वास्थ्य योजना का लाभ कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों को भी दिया जाएगा। RBI बैंक का नया नियम। जी, वर्तमान समय में कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होता है। अगर आपके पास भी एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। आप भारत में कितने बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं? बता दें कि बैंक अकाउंट खुलवाने की संख्या में कोई लिमिट नहीं है। ग्राहक 2, 3, 5 कितने भी बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक अकाउंट की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं की।